नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने गुरुवार को मैग्निफिसेंट एमपी समिट 2019 स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के परिसर में जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाए गए मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया, साथ ही प्रदर्शनी स्थल पर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, मुख्य सचिव श्री एस आर मोहंती, प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, श्री राजेश राजौरा, संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने इंदौर में मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश आयोजन की पूर्व संध्या पर स्थानीय ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पीतमपुर औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा है कि पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र की जो भी समस्याएं और सुझाव हैं, उनमें से 80% बिंदुओं पर सरकार ने पूर्व में ही समाधान की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने और उन्हें अपने काम में कोई परेशानी न हो, सरकार इसके लिए सजग है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने इंदौर में मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश की पूर्व संध्या पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा है कि औद्योगिक निवेश के लिए मध्य प्रदेश पूरे देश में एक आदर्श राज्य बने, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने इंदौर में युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम और उन्हें इसके दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन श्री वरुण कपूर और डायरेक्टर यूएमएस इंडिया डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से कहा है कि समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था और वातावरण में स्वच्छता होना आवश्यक है। नई व्यवस्था निर्माण के लिए बुनियादी प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए, तभी उत्तरोत्तर प्रभावी प्रगति होगी। श्री टंडन आज राजभवन में 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ चर्चा कर रहे थे। सामान्य प्रशासन एवं भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह ने जिले की सड़कों की समीक्षा के दौरान कहा कि भोपाल नगर निगम की सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग और सीपीए कार्य करे। लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क के लिए टेंडर कर दिए हैं, उन्हीं टेंडर के आधार पर लोक निर्माण विभाग नगर निगम की सड़कों की मरम्मत कराएं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गृह ज्योति योजना को मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने नए स्वरूप में लागू कर उपभोक्ताओं को इसका लाभ देना प्रारंभ कर दिया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि इंदिरा गृह ज्योति योजना में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 44,16,786, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 28,65,133 और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 20,91,698 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।